तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जब मैं जेल में था तो हर हफ्ते कोई फोन करके मेरी खबर लिया करता था कि मैं कैसा हूँ, कब रिहा होऊंगा। कल तक मैं समझता था कि वो मेरे बाबूजी थे, लेकिन आज पता चला कि वो आप थे। हाँ, वो मैं था, वो मैं ही हूँ जो पिछले 4 साल से तुम्हारे बाहर आने का इंतजार कर रहा हूँ ताकि अपने हाथों से तुम्हारे किए की तुम्हें सजा दे सकूं। देखो देखो क्या हाल बना दिया तुमने मेरी फूलसी बच्ची का। आपकी बेटी के साथ जो कुछ हुआ उसका मुझे बहुत दुख है, लेकिन ये सब मैंने नहीं किया। आप विश्वास करें या ना करें, आपकी बेटी का दोषी मैं नहीं। झूठ बोलता है तू, मुझे तेरी किसी बात पर विश्वास नहीं है। और होगा भी नहीं। आपकी बेटी होश में आकर जिस दिन इस बात का इकरार करेगी कि ये गुनाह मैंने नहीं किया, तब भी आपको मुझ पर विश्वास नहीं होगा। अगर आपको लगता है कि मुझे मारकर आप अपनी बेटी को बचा सकते हैं तो ये लीजिए, खत्म कर दीजिए मुझे। लेकिन एक बात का ख्याल रखिए, अगर इस दुनिया में भगवान है तो आपकी बेटी अपनी नींद से जरूर जागेगी, और उस दिन अगर उसने मेरी बेगुनाही का सबूत दे दिया तो क्या आप अपने आप को कभी माफ कर सकेंगे? गंगाजल थोड़ा ले लो। देवी मस्तकं तिलकं कृतं सिंदूर शिरस्ति स्थितं नमः धूपं अग्रयामि। दुश्मन का वध करने के लिए पहले शिवा से वर्मा, दे शिवा मोहे, दे शिवा वर्मोहे। शुभ कर्मन से कबहू न डरू, शुभ कर्मन से कबहू न डरू, ना डरू बैरी सो जब चाहे लड़ू, ना डरू बैरी सो जब चाहे लड़ू। निश्चय कर अपनी।